बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम पार्ट टू चैप्टर 17 जो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, उसके एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। वेलकम बैक जी। ये है जी आपका आज का लेक्चर, जिसमें हम पांच टॉपिक्स जो है उनको देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इसी तरह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इसी तरह सुपर कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो इसके लिए आपको रिलेटेड फॉर्मूले जो है वो आने चाहिए। तो चलें अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में हमारे पास है जी, विच टाइप ऑफ सॉलिड्स हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स बड़ी तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। बट इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड प्रॉपरली, दैट्स व्हाई दोज सॉलिड्स डू नॉट पोजेस फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर टू, द एटम्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइन मटीरियल्स मेंटेन देयर लॉन्ग रेंज ऑर्डर ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कोहेसिव फोर्स होती है, जो उनको बाउंड रखती है लॉन्ग रेंज में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, जर्कोनिया क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल है गिवन ऑप्शन में। इसके बाद है जी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, द रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन। देखें, अगर आप टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो लेंगे ये होगा यंग्स मॉडुलस, अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशियो लेंगे ये होगा बल्क मॉडुलस। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ अ बॉडी इट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं बॉडी की शेप को चेंज करने के लिए तो इसे हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप, ये है जी इलास्टिसिटी। अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप रीगेन न कर सके तो इस बिहेवियर को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसी तरह एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन आप जानते हैं एक जैसी क्वांटिटीज की रेशियो है तो इसके कोई यूनिट्स नहीं होते, एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन नो यूनिट्स हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम्स आर देयर, आप बोलेंगे सेवन, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसके बाद है जी इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ वाला टॉपिक, ग्लास एंड हाई कार्बन स्टील आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल सब्सटेंस। अच्छा देखें, ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है कि अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान कर्व लें तो ब्रिटल सब्सटेंस में जो कर्व है वो इलास्टिक लिमिट तक आएगी, क्योंकि जैसे ही हम इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने लगते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस जो है ये टूट जाते हैं। लेकिन अगर आप डक्टाइल सब्सटेंस की बात करेंगे तो डक्टाइल सब्सटेंस जो है ये पूरा का पूरा प्लास्टिक रीजन जो है ये फॉलो करता है टूटने से पहले। यानी ये जो सेकंड ग्राफ है ये पूरा का पूरा डक्टाइल सब्सटेंस का है और ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये ब्रिटल सब्सटेंस का है। सब्सटेंसेस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड ब्रिटल सब्सटेंस, ये अभी बात हो चुकी। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, ये इंफॉर्मेशन टेबल वगैरह गिवन है बुक में। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो बेटा ये जो कंडक्टिविटीज की रेंज है ये किसकी है, सेमी कंडक्टर्स की। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10^7, ये बुक में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। 10^-10 जो है ये इंसुलेटर्स की है, इंसुलेटर्स जो है उनकी रेंज ये है, आपके पास बीटा ऑप्शन आ गई। सेमी कंडक्टर्स रेजिस्टिविटी रेंजेज आर, बेटा ये बीटा ऑप्शन है, ये बुक से आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद है एनर्जी बैंड थ्योरी, द सब्सटेंस विच हैव पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड आर सेमी कंडक्टर्स। तो बेटा वैसे तो कंडक्शन बैंड कंप्लीटली फिल्ड कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर कंडक्टर्स भी हो सकता है, सेमी कंडक्टर्स भी हो सकता है, क्योंकि कंडक्टर्स में भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और सेमी कंडक्टर्स में भी मौजूद होते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है कि पार्शली फिल्ड कंडक्शन बैंड, लेकिन अगर इस तरह आ जाए तो आप सेमी कंडक्टर्स को प्रेफर कर लें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर्स में भी कंडक्शन बैंड पार्शली फिल ही होता है, कंडक्शन बैंड असल में कंप्लीटली फिल्ड कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे कैपेसिटी कंडक्शन बैंड में रहती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के को रखने के लिए। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट एनर्जी गैप, ये है कंडक्टर्स। हम जानते हैं कि कंडक्टर्स के केस में वैलेंस बैंड और
कंडक्शन बैंड तकरीबन ओवरलैप कर रहे होते हैं, यानी इनके दरमियान एनर्जी का गैप बहुत कम होता है, यानी ना होने के। इसके बाद है जी इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, विच वन इज ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। गैलियम, इंडियम, बोरॉन, ये तीनों जो हैं 3A ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये सारी ट्राइवेलेंट है। विच वन एक्ट्स एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर, तो बेटा ये है होल। हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कोवलेंट बॉन्डिंग हुई होती है, लेकिन ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर अपनी जगह से बाहर आ जाए, यानी अपने एटम से बाहर आ जाए, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ जाए, फिर उस एटम के अंदर वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट हो जाता है। इस होल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की या अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी रखता है, इसीलिए हम कहते हैं कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप सब्सटेंस आर इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप जो है उनको पी टाइप इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होते हैं, यानी होल्स। तो फिर इसलिए मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम। इसी तरह हम सिलिकॉन भी यूज करते हैं। इन एन टाइप मटीरियल द मिनोरिटी कैरियर्स आर होल्स। एन टाइप का मतलब है कि इनमें मेजॉरिटी किनकी होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और मिनोरिटी होगी होल्स की। वट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी इज टू बी एडेड टू सेमी कंडक्टर मटीरियल टू प्रोवाइड होल। देखें, अगर आप सेमी कंडक्टर मटीरियल में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो होल पैदा होंगे ज्यादा मिकदार में, ज्यादा तादाद में, लेकिन अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो फिर ज्यादा तादाद में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। जर्मेनियम इज सेमी कंडक्टर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेमी कंडक्टर। ये कॉपर है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये तीनों सेमीकंडक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज इंसुलेटर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज 0 केल्विन। जब आप सेमीकंडक्टर को कूल करना शुरू कर देते हैं तो उसके मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से आप समझ लें वापस वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। इसी तरह अगर आप 0 केल्विन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है वो तकरीबन इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा, क्योंकि फिर उसका बैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी हो जाता है। विच वन इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी? एंटीमनी, बाकी पेंटावेलेंट नहीं है। विच वन पेयर बिलोंग्स टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटी? ये है बोरॉन और गैलियम। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी से मुराद है ऐसी इम्प्योरिटी जो ट्राईवेलेंट होती है और ये होल्स जनरेट करती है और ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज डोनेट होल्स। एट 0 केल्विन सेमीकंडक्टर्स आर परफेक्ट इंसुलेटर, ये पहले भी बात हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंडक्टर्स। द टेम्परेचर बिलो विच सम मटीरियल शो सुपर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। ये सुपर कंडक्टर के शुरू वाले पैराग्राफ में मेंशन है। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मर्करी इज 4.2। ये भी सारी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक में मौजूद है। इसी तरह हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैज क्रिटिकल टेम्परेचर ग्रेटर देन 77 केल्विन। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आ जाएगा जी, सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनके पास सिर्फ स्पिन मोशन है। स्पिन मोशन की वजह से बहुत थोड़ी सी मैग्नेटिज्म मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटल मोशन में भी होते हैं और स्पिन मोशन में भी होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन की वजह से ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो एटम के अंदर जनरेट होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि सोर्स या मेन ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म विद इन द एटम इज इलेक्ट्रॉन। द सब्सटेंसेस इन विच द एटम्स डू नॉट फॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल्स आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। ऐसे सब्सटेंस जिसमें एटम या मॉलिक्यूल मैग्नेटिक डाइपोल बना लेते हैं लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, उनको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। जो बनाते ही नहीं है उनको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, और जो मैग्नेटिक डायपोल बना लेते हैं और कुछ खास रीजन्स में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। और जिन रीजन्स में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उन रीजन्स को आप जानते हैं डोमेन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन। विच वन इज नॉट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस? कॉपर। क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 750 डिग्री, ये डिग्री सेल्सियस ये गिवन है।
टेक्स्ट बुक में क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन, बेटा ये कैल्वन में कन्वर्ट करके लिखा है, जाहिर बात है आप 750 में 273 ऐड कर लेंगे तो आपके पास कैल्वन का टेम्परेचर आ जाएगा। अ डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेन इज नेम एज SQUID। ये टेक्स्ट बुक में एक इंफॉर्मेशन है जो गिवन है, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन रिपीट हुआ है। अ सिंगल डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कंटेन्स नियरली, ये तकरीबन बीटा ऑप्शन है आपके पास, द सब्सटेंसेस इन विच एटम कोऑपरेट विद ईच अदर इन सच अ वे सो एज टू एग्जिबिट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं अभी आपको ऊपर बता के आया हूँ, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और जिन रीजन्स में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं डोमेन्स। डोमेन्स आर एग्जिस्टेड इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है हिस्टेरिसिस लूप, मैग्नेटिज्म लैग्स बिहाइंड द मैग्नेटाइजेशन करंट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस। ये हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन बुक में लिखी भी हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीस्ट हिस्टेरिसिस लूप एरिया, सॉफ्ट आयरन। बेटा आयरन जो है उसका जो हिस्टेरिसिस लूप का एरिया है वो कम होता है एज कम्पेयर टू स्टील, क्योंकि आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल में कंसिडर किया जाता है और स्टील हार्ड में। मतलब इसका यह है कि आयरन जो है उसको मैग्नेटाइज करना भी आसान है, डीमैग्नेटाइज करना भी आसान है, यानी उसका रिटेंटिविटी वाला पॉइंट भी काफी नीचे होगा और उसका कोअर्सिव करंट भी काफी जल्दी अचीव हो जाएगा, जिस वजह से जो लूप एरिया है वो काफी कम बनता है, लूप एरिया काफी कम बनता है, ठीक है। लेकिन स्टील के केस में ऐसा नहीं है, स्टील की रिटेंटिविटी वाला पॉइंट भी काफी ऊपर होता है और कोअर्सिव करंट वाला पॉइंट भी काफी आगे आता है, ठीक है जी। तो बेटा ये था आपका आज का जो टॉपिक है और मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है जो आपको तंग कर रहे हैं, इवन अगर आपके पास कोई MCQs भी हैं जिनका सोल्यूशन आपके पास नहीं है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफिज़।